सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज रहेगी। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को डर दिखाया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो आपके बच्चे बीमार होंगे। चुनाव में अब कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना वोट बेकार ना करें कांग्रेस को वोट देके। तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप ये सोच लेना कि आने वाले 5 साल में दिल्ली में ऐसी गंदगी रहेगी, आने वाले 5 साल में ऐसे ही मच्छर रहेंगे, आने वाले 5 साल में ऐसे ही डेंगू होता रहेगा, चिकनगुनिया होता रहेगा। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को? तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया, आपने मच्छरों वाली पार्टी को वोट दिया, आपने गंदगी वाली पार्टी को वोट दिया। मच्छर जितने दिमाग का जो व्यक्ति है वही ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। और आज के समय में जिस तरीके की डिसेप्टिव राजनीति, धोखे की राजनीति, आंख में धूल झोंकने की राजनीति ये व्यक्ति कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता है। और यहाँ तक कि सबको ये भी जानकारी है कि खुद ही इन्होंने बयान दिया बिजली हाफ और पानी माफ, खुद ही बोले ना। अभी आजकल इनके एडवर्टाइजमेंट जो है वो है कि बीजेपी आएगी एमसीडी के अंदर तो पानी और बिजली का दाम बढ़ाएगी। तो भाई साहब, हाफ और माफ करने का अधिकार आपके पास है, बढ़ाने का अधिकार हमारे पास कहां से हो गया?